हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बोर का परमाणु मॉडल डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट्स को समझेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रमुख कमियों को भी डिस्कस करेंगे। सो बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने तथा हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं के स्पष्टीकरण हेतु सन 1913 में नील बोर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। सो बोर के परमाणु मॉडल का मुख्य उद्देश्य था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर करना। तो इससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिनमें से एक थे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक प्रयोग किया था, उन्होंने जो है एटम्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपने 11-12 में भी पढ़ा होगा। उन्होंने बेसिकली एक जो है सोने की पतली परत ली थी, एक गोल्ड फॉइल लिया था, उसके ऊपर अल्फा किरणों की बौछार की थी, जिसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था कि किसी भी एटम के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक नाभिक प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके सहायता से उन्होंने नाभिक की खोज की थी, बताया था कि किसी भी एटम के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उनमें बहुत सारी कमियां भी थी, तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स दिए। सो उन्हीं पॉस्टुलेट्स को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के लिए। मेनली आपको बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। सो उसी अकॉर्डिंग आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये नोट्स है। आई होप कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। अब हम एक एक करके इसके पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं, कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, जिसके बीच में ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में जो है कोई चार्ज नहीं होता, और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमते रहते हैं। तो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि नाभिक के बाहर एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है, ठीक है, एक जो है एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है, जिससे उन्होंने बोर ने इसे जो है कक्षा कहा, ठीक है, ऑर्बिट कहा। तो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में जो है लगातार इस प्रकार से घूमते रहते हैं, ठीक है। तो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में जो पहला पॉस्टुलेट दिया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते रहता है, और इस वृत्ताकार पथ को ऑर्बिट या कक्षा कहा जाता है, ठीक है। ये पहला पॉस्टुलेट है। सेकंड है, प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष भी कहते हैं। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1, 2, 3, 4 या KLMN इत्यादि से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उन्होंने आगे बताया अपने एटॉमिक मॉडल में कि प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है, ठीक है। ये जो एक ऑर्बिट है, ये जो एक कक्षा है, उसमें एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है, अतः इसे जो है ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष भी कहा जाता है। और इन ऊर्जा स्तरों को जो है उन्होंने नामकरण भी दिया, ठीक है। जो पहला ऊर्जा स्तर होगा, पहला जो कक्ष होगा, ऑर्बिट होगा, उसको के सेल कहा जाएगा, सेकेंड को एल सेल, तीसरा को एम, चौथा को एन सेल, इस प्रकार से जो है ये बढ़ता जाएगा, या फिर इसको 1, 2, 3, 4 सेल के नाम से भी उन्होंने डिनोट किया। तो इस प्रकार से उन्होंने हर एक सेल का, हर एक ऑर्बिट का जो है नामकरण किया, ठीक है, जो सबसे अंदर वाला है, ठीक है, जो नाभिक न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट है उसको उन्होंने के से स्टार्ट किया, KLMNO, इस प्रकार से ये जो है बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने नामकरण किया ऑर्बिट का। थर्ड पॉस्टुलेट है, निश्चित ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोषों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न तो क्षय होती है न ही वृद्धि, अतः विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है। उन्होंने थर्ड अपने पॉस्टुलेट में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसी कक्षा में ऐसे नॉर्मल घूम रहे हैं तो वो एक निश्चित ऊर्जा में घूम रहे हैं, ठीक है, ना तो उनका जो एनर्जी है ना तो खत्म होगा, ना नया एनर्जी वो गेन कर पाएंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो, ठीक है। अतः कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो स्थिर व निश्चित होती है।
ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा निश्चित और स्थिर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर का पॉस्टुलेट, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में कुछ निश्चित मान होते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कुछ निश्चित मान होते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो उसका ऊर्जा सेम है, उसी प्रकार उसका जो कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, उसका मान भी निश्चित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोणीय संवेग एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां एच बराबर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, तो आप डेफिनेटली इसको याद रखेंगे, ठीक है। एच जो है प्लांक कांस्टेंट होता है इसमें, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बराबर एच अपॉन टू पाई होता है, ठीक है, जहां पे एच प्लांक कांस्टेंट है, जिसमें जिसका जो मान होगा 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड होता है, ठीक है। माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr होगा। उन्होंने आगे जो है बताया कि जो मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, r त्रिज्या की एक कक्षा में v वेग से घूम रहा है, ठीक है, v वेग से घूम रहा है, तो इसका जो कोणीय संवेग क्या होगा, mvr होगा। तब बोर के अनुसार mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, ये उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया था, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, जहां पे n बराबर पूर्णांक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h अपॉन 2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का पॉस्टुलेट्स है, जब किसी परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है, अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में। चूंकि उत्तेजित अवस्था अस्थायी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁸ सेकेंड ही ठहर कर तुरंत ही अपनी निजी कक्षा में वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे कि ये जो है न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, तो मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें है, इस ऑर्बिट में है, इस कक्षा में है, तो ये क्या, अगर इसको कोई बाहरी एनर्जी दिया जाता है, ठीक है, बाहर से कोई अगर इसको कोई ऊर्जा दिया जाता है, तो ये क्या करेगा, ये जो है ये ऊंची स्थिति में, ठीक है, मतलब इस उत्तेजित हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित हो जाएगा और ये इस ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है, ये जैसे कि यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये सेकंड वाले नंबर के ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है अस्थायी होता है, ये जो उत्तेजन वाला जो अवस्था होगा बाहरी एनर्जी के कारण, वो अस्थायी होता है, जिसके मतलब सिर्फ जो है 10⁻⁸ सेकंड ही इलेक्ट्रॉन जो है इस ऊंची कक्षा में, ठीक है, सेकंड कक्षा में रुक पाएगा, उसके बाद फिर से ये जो है वापस आ जाता है। तो ये वापस आते टाइम, ठीक है, इस कक्षक में वापस आते टाइम कुछ जो है विद्युत चुंबक के तरंगे जो है ये रिलीज करता है ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगे उत्सर्जित करता है, जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उसको डेल ई बराबर E2 - E1 से निकाला जा सकता है। जैसे कि ये मूल अवस्था है, ठीक है, ये मूल अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो है उत्तेजित मूल अवस्था में है, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, जब ये बाहरी एनर्जी दिया जाएगा तो उत्तेजित होकर जो है इसमें आ जाएगा, E2 में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 10⁻⁸ सेकंड रुकने के बाद फिर से जो है ये इसी अवस्था में वापस चले जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो एनर्जी निकलेगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल ई इक्वल टू E2 - E1, ये फॉर्मूला यूज करके जो है हम इसका निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस में। तो ये फिफ्थ नंबर का पॉस्टुलेट्स है। तो ये कुछ ये पांच पॉस्टुलेट्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही है बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो कमियां है, ठीक है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 और 3 मार्क्स में इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को लिखिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन आयनित हीलियम द्वि आयनित लिथियम आदि स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकती है, ठीक है, इसमें सिर्फ जो है एक परमाणु
एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन आयन हीलियम, इनकी ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स, ठीक है, उनकी जो है व्याख्या नहीं हो सकती है। बोर के परमाणु मॉडल की दूसरी कमी है, जिन परमाणुओं से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है यदि उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो स्पेक्ट्रम की रेखाएं कई रेखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे जीमन प्रभाव कहते हैं। इसकी व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है। तो जीमन इफेक्ट जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जीमन इफेक्ट क्या होता है? कोई भी परमाणु जिससे जो है स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है, अगर उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रख देते हैं, ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम है वो कई रेखाओं में विभक्त हो जाता है, ठीक है। जो एक स्पेक्ट्रम होगा वो कई रेखाओं में विभक्त हो जाता है, इसी को ही जीमन इफेक्ट कहा जाता है। तो बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इनके बारे में जो है अच्छे से व्याख्या नहीं की गई है, तो ये इसका एक प्रमुख कमी है, ठीक है। थर्ड कमी है इसका, जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से किया जाता है तो पता चलता है कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा पास पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी होती है। इस मॉडल द्वारा इन रेखाओं की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से जब अध्ययन किया गया स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, तो पता चलता है कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं पास पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी होती है, इसकी भी व्याख्या जो है बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती है। फोर्थ इसका ड्रॉबैक है, कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता अधिक और कुछ की तीव्रता कम होती है, बोर मॉडल द्वारा इस तथ्य की व्याख्या भी नहीं की जा सकती, ठीक है। फिफ्थ है, इस सिद्धांत के द्वारा एटम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम पता नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में कोई भी जानकारी जो है बोर के परमाणु मॉडल के से हमको प्राप्त नहीं होता है, तो ये भी इसकी एक कमी है। तो ये कुछ जो है पांच पॉइंट है जो बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियां हैं, जो आपको आपके थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ध्यान रखना है। एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बोर के परमाणु मॉडल का, एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यूनिट में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बीएससी या एमएससी कर रहे हैं तो आपके दूसरे सिलेबस में भी ये टॉपिक आपको मिल सकता है, 11th 12th में भी है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।